हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उनके लिए कौन से लाइसेंस मैंडेटरी होते हैं जिससे आप लेके इजीली पूरी दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में बने रहे दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल का बहुत यूज़ हो रहा है, हमारी बॉडी में डिजीज बढ़ती जा रही है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो आजकल के लोग, विदेशों के लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स की मांग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक के लिए कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक के लिए आप तीन तरह के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये है इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, दूसरा है PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेट, और तीसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक प्रमाणिकता, इसको हम PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक प्रमाणिकता, ये सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों में दोस्तों सबसे बेस्ट जो होता है और इजीली मिल जाता है वो है PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें होता क्या है, जब भी हम ऑर्गेनिक चीज़ों का फार्मिंग करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में PGS ग्रीन मिलता है। यानी जैसे मैंने 2001 से 2021 से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचा, तो हमें और 2021 से कोई भी केमिकल अपने फार्म हाउस में या खेती में नहीं डालना है, खेत में नहीं डालना है, तो हमें PGS ग्रीन का लाइसेंस मिलेगा। और जब 3 सालों बाद यानी 2021, 2022, 2023, 2023 3 साल तक अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ किया है, केमिकल का यूज़ नहीं किया है, तो 3 साल के बाद आपको कंप्लीट PGS और का जो कंप्लीट है PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो कंप्लीट है इंडिया का कंप्लीट लाइसेंस मिल जाएगा। यानी स्टार्टिंग में जो रनिंग में होता है, स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो PGS ग्रीन का मिलता है, उसके बाद PGS इंडिया का लाइसेंस मिल जाएगा 3 साल के बाद। तो आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट को दुनिया के अलग देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा देता है ये लाइसेंस, ये देता है इंडिया के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा देता है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट देता है। तो ऑर्गेनिक की चीज़ें एक्सपोर्ट कीजिए, यूरोपियन अलग अलग देशों में बहुत डिमांड है वेजिटेबल्स फ्रूट्स की। पोटैटोज, ओनियन, आलू है, प्याज है, कांदा है, और बनाना है, पपाया है, ये जितने भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंगोज है, लीची है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रांस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जर्मनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑर्गेनिक चीज़ों का एक्सपोर्ट करके बहुत कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।